hello students welcome to Billa international school worksheet workshop now we are discussing worksheet number 14 of class fourth computer science there are three two types of question multiple choice question and tick for the true and right for the wrong for the false this is also the last worksheet of the class we are starting with multiple choice question this worksheet is about uh, multimedia content which of these इज़ नॉट अ डिफॉल्ट गेम ऑन द कंप्यूटर इनमें से कौन सा कंप्यूटर का डिफॉल्ट गेम नहीं है सॉलेटायर पिनबॉल चेस या क्रिकेट करेक्ट आंसर है क्रिकेट क्रिकेट पहले से अंदर अवेलेबल नहीं है तो हम डी लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन में अ कार्टून फिल्म इज मेड बाई यूजिंग एक कार्टून फिल्म किस तरह से बनाई जाती है इंटरनेट के द्वारा एनिमेशन से पेंट से या ग्राफिक्स के द्वारा इसका करेक्ट आंसर है एनिमेशन एनिमेशन से बनती है बी लिखेंगे ब्रैकेट में थर्ड वी यूज मल्टी मीडिया सिस्टम टू क्रिएट हम मल्टी मीडिया सिस्टम को यूज़ करते हैं किस लिए बुक्स के लिए न्यूज़पेपर्स के लिए एडवर्टाइजमेंट के लिए या नोटबुक के लिए आंसर है सी एडवर्टाइजमेंट तो ब्रैकेट में सी लिखेंगे फोर्थ मल्टी मीडिया प्रोग्राम्स आर मल्टी मीडिया प्रोग्राम कैसे होते हैं टेक्स्ट बेस्ड मतलब लिखे हुए इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन वाले एलिमेंट्री एक पॉइंट पर फोकस्ड साउंड बेस आवाज़ के ऊपर आधारित इसका करेक्ट आंसर है इंटरैक्टिव हम बी लिखेंगे ब्रैकेट में आगे चलते हैं द कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट ग्राफिक्स साउंड एनिमेशन एंड वीडियो क्लिप्स आर फाउंड इन टेक्स्ट ग्राफिक्स साउंड एनिमेशन वीडियो क्लिप इन सब का समूह किस में पाया जाता है एम एस वर्ड में एम एस पेंट में एम एस पावर पॉइंट में या फिर मल्टी मीडिया में आंसर है मल्टी मीडिया डी लिखेंगे हम चलते हैं ट्रू एंड फॉल्स की तरफ सम गेम्स आर इंस्टॉल्ड बाय डिफ़ॉल्ट ऑन द कंप्यूटर कंप्यूटर में कुछ गेम्स पहले से ही इंस्टॉल आते हैं ट्रू या फास्ट तो हम टिक करेंगे आते हैं ट्रू है ये सम ऑफ द सी डी रोम्स आर ऑटोमेट ऑटो रन कुछ ऐसी सी डी होती है जो अपने आप ही चलती है बिल्कुल सही है ट्री करेंगे जो मल्टी मीडिया सी डीज़ होती है वो सब अपने आप चलती है थर्ड लर्निंग मल्टी मीडिया प्रोग्राम इज वेरी बिंग मल्टी मीडिया प्रोग्राम से पढ़ना बहुत मुश्किल है पॉज बहुत सरल है फोर्ड एनिमेशन हेल्प टू मेक डिफरेंट डिफिकल्ट टॉपिक ईजी टू अंडरस्टैंड एनिमेशन से किसी भी मुश्किल टॉपिक को सरलता से समझा जा सकता है ट्रू टिक करेंगे लास्ट एंड फाइनल कार्टून फिल्म आर टेक्स्ट बेस्ड दैट आर दैट यूज मल्टी मीडिया सिस्टम कार्टून फिल्म जो है वो लिखी हुई होती है टेक्स्ट के ऊपर आधारित होती है मल्टी मीडिया सिस्टम का यूज़ करती है फॉल्स क्रॉस करेंगे कार्टून फिल्म जो है वो मल्टी मीडिया के ऊपर बेस्ड तो होती है लेकिन वो एनिमेशन से बनाई जाती है जिसमें ऑब्जेक्ट्स और हर चीज़ मूव करती है ये हमारी फोर्टींथ वर्कशीट थी जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ट्रू फॉल्स देखे हमारी ये लास्ट वर्कशीट भी थी आई होप यू लर्न अ लॉट लॉट्स ऑफ थिंग्स हैव बीन लर्न थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग